हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर स्लैब M20 ग्रेड कंक्रीट। हमने स्लैब का साइज मान लिया है, लेंथ है 5 मीटर, विड्थ है 3 मीटर, थिकनेस है 125 mm, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.125 मीटर। वॉल्यूम निकाल लेंगे 5 × 3 × 0.125, हमारा 1.875 m³ आ गया। अब हमारा M20 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो होता है 1 सीमेंट 1.5 सैंड 3 एग्रीगेट। सम ऑफ रेशियो, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे हमारा सम ऑफ रेशियो निकलेगा 1 + 1.5 + 3, 5.5 हमारा सम ऑफ रेशियो हो गया। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 × 1.57, ये हमारा श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। अब हम सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट वर्क के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वान्टिटी निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। एग्रीगेट रेशियो 3 बाय सम ऑफ रेशियो 5.5 × 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 0.856 m³। वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर इक्वल टू सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। सैंड रेशियो 1.5 बाय 5.5 सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 0.428 m³ वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। हमारा सीमेंट रेशियो 1 / 5.5 सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आएगा 0.285 m³। वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.285 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 411.05 kg। ये हमारा वेट ऑफ सीमेंट आ गया। अब हम जानते हैं 1 बैग सीमेंट का वेट 50 kg होता है। अब हम 411.05 को 50 से डिवाइड करेंगे, हमारा नंबर ऑफ बैग निकल जाएगा सीमेंट का, हमारा आएगा 8.22। इसे हम 8 बैग मान लेते हैं। अब हमारा 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट वर्क में एग्रीगेट 0.856 m³, सैंड 0.428 m³ और सीमेंट 8 बैग लगेगा। तो अब हमें निकालना है सीमेंट सैंड एग्रीगेट रिक्वायर फॉर वॉल्यूम 1.875 m³ के लिए। तो एग्रीगेट इक्वल टू 1.875 × 0.856, हमारा आएगा 1.605 m³। इसे अगर हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करें तो 56.63 क्यूबिक फीट। सैंड इक्वल टू 1.875 × 0.428, हमारा आ गया 0.8025 m³। क्यूबिक फीट में 28.318 क्यूबिक फीट। सीमेंट इक्वल टू 8 × 1.875, हमारा 15 बैग सीमेंट लगेगा।